केंद्र की मोदी सरकार पर अब भ्रष्टाचार पर लगाम ना लगाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल भ्रष्टाचार, काला धन खत्म करने के वादों के साथ 2014 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार का अब दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन खुद की ही मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। केंद्र की मोदी सरकार 100 भ्रष्ट केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुमति नहीं दे रही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग पिछले 4 महीने से केंद्र सरकार के 100 कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में केस फाइल करना चाहती है, लेकिन उसे इस बात की अनुमति नहीं मिली है। इन कर्मचारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, इस सूची में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भी शामिल हैं। सीवीसी के अनुसार नियमों के तहत भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस फाइल करने के लिए 4 महीने में मंजूरी देनी होती है, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इन 100 कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने में देरी हो रही है। सीवीसी ने बताया कि कुल 51 मामलों में करीब 97 अधिकारियों के खिलाफ केस फाइल होनी है। इनमें से 8 मामले भ्रष्टाचार रोधक मामले में नोडल प्राधिकरण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास अटके पड़े हैं। इसी तरह 11 मामलों में 23 अफसरों की फाइल कॉरपोरेशन बैंक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मानव संसाधन मंत्रालय के पास लंबित हैं। सीवीसी का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश से 6 अफसरों के खिलाफ केस फाइल करने की मंजूरी नहीं मिली है। इसी तरह 2-2 मामले रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, राजस्व विभाग, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू कश्मीर सरकार के पास लंबित हैं। वहीं एक एक मामला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केनरा बैंक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और लोकसभा के पास लंबित है। वहीं सीवीसी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकारों ने भी 4 महीने के निर्धारित समय में कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।